15 अगस्त जश्न आज़ादी के जुलूस में चली गोली, युवक के पेट में लगी गोली। प्रयागराज जनपद के घूरपुर थाना अंतर्गत थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर घूरपुर बाजार में स्वतंत्रता दिवस जुलूस में डीजे कंपटीशन के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान नीरज नामक व्यक्ति ने अर्जुन डीजे के साथ चल रहे मनोज पटेल को गोली मार दी। गोली लगने से मनोज वहीं पर बेहोश हो गया। जुलूस में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सूचना पाकर घटनास्थल पहुंची पुलिस। घायल मनोज पटेल को उपचार हेतु SRN अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। जिसमें आज़ादी के समय स्वतंत्रता दिवस का जुलूस चल रहा था, उसी में गोली चलने की सूचना मिली, क्या है सही? देखिए, आज दोपहर करीब 3 बजे थाना घूरपुर पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मनोज कुमार, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष है, इन्हें किसी एक व्यक्ति ने इनके ऊपर गोली चला दी है तथा ये घायल हो गए। तत्काल इस सूचना पर बिना समय गवाए थाना प्रभारी घूरपुर में अन्य पुलिस फोर्स के वहां पर पहुंचे। तत्काल जो घायल था उन्हें SRN हॉस्पिटल चिकित्सकीय इलाज के लिए रवाना किया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है, उन्हें चिकित्सकीय इलाज मुहैया कराया जा रहा है। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में जो बात निकल के आई है वो यह है कि एक व्यक्ति नीरज कुमार, जो कि कंजासा थाना घूरपुर का रहने वाला है, ये वहाँ पर मौजूद था घटनास्थल पे और डीजे चलाने को लेकर के, डीजे के व्यापार को लेकर के किन्हीं दो पक्षों में कहा सुनी हो रही थी। इसी कहा सुनी में ये घटना जो है मार्केट में तब्दील हो गई और इसी दौरान किसी एक व्यक्ति के उकसाने पर ऐसी बात प्रकाश में आ रही है कि नीरज द्वारा ये गोली चला दी गई। उसका जो आरोपी नीरज है उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया गया है, उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है तथा जो पीड़ित पक्ष है उससे भी तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी अन्य विधिक कार्रवाई होगी उससे भी संपूर्ण कर लिया जाएगा। क्या अभियुक्त के पास असलाह भी बरामद हुआ सर? जो अभियुक्त है जिसे हिरासत में लिया गया है उसने बताया है कि वो असलाह बरामद करा सकता है, इसके प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय टीम लगी हुई है।